सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। परंतु यह बात है उन दिनों की जब चल रहा था हेडशॉट युग। ये ले हेडशॉट, हेडशॉट रेड पूरा एकदम। इसको भी आ रहा है, एक बंदा आ रहा है, उसको मारो। आ गया मेरे पास। ये ले हेडशॉट भाई साहब। हर तरफ बस हेडशॉट ही हेडशॉट। हेडशॉट का एक अलग ही क्रेज चल रहा था। हर दूसरा बंदा हेडशॉट मारने की कोशिश में लग गया था। उनमें से तुम्हारा भाई भी एक था। तुम्हारा भाई भी हेडशॉट मारने की कोशिश में पूरी तरीके से लग चुका था, परंतु परिणाम कुछ खास मिल नहीं रहा था। सीन ऐसा ही चलता गया, जनरेशन आगे बढ़ती चली गई। अब ये दौर आ चुका था घोर हेडशॉट युग का। हाँ ठीक, जैसे घोर कलयुग होता है वैसे ही घोर हेडशॉट युग। अब ये एक ऐसा जनरेशन था जहाँ पर तुम्हारा एक बॉडी डैमेज तुम्हारे संपूर्ण इज्जत के साथ साथ तुम्हारे पूरे रिलेशनशिप को भी डैमेज कर सकता है। अच्छा, मार दो भी, मार दो हेडशॉट, मार दो, ओनली रेड नंबर मार दो। ये ले, तुमने बॉडी मारा। अरे नहीं नहीं नहीं, वो गलती से लग गया। ब्रेकअप नहीं, खत्म। मुझे समझ आ चुका था अगर इस जनरेशन में मैंने हेडशॉट नहीं मारा तो मेरे साथ कोई नहीं रहने वाला। परंतु भाई मेरे इतने कोशिशों के बाद भी हेडशॉट लग ही नहीं रहा था। अब भाई हम करें तो करें क्या। तभी अचानक मेरे दिमाग की घंटी बजती है और मुझे याद आता है डीपीआई के बारे में। अब ये डीपीआई ही लास्ट उम्मीद था जो मेरे प्रेम को वापस ला सकता था। सो मैंने फटाफट डीपीआई लगा लिया और सब कुछ सेट करने के बाद गेम पर चले गया। फिर तो भाई तुम्हारे भाई का अलग ही दबदबा बन गया। परिणाम देखकर मैं बहुत हैप्पी हो गया था। एक्साइटमेंट से मैंने दो तीन वीडियो ही पेल डाली इसके ऊपर। अनाउंस कर दिया सभी बंदों के सामने, डीपीआई लगा लो तुम लोग। चलो हेडशॉट तो बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो रहा था, अब टाइम था अपने प्रेम को वापस लाने की। सही बात है। सो जैसे ही मैं मैसेज करने गया, डीपीआई ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। फोन खराब हो चुकी थी, डीपीआई लगाने जैसी कुकर्म करने की सजा मुझे मिल रही थी। तभी मुझे याद आया, भाई ये तो मैंने खुद यूज किया, मेरा फोन खराब हो गया, बट मैंने तो शायद दो तीन वीडियोस पेल डाली है डीपीआई के ऊपर, और उसमें तो भाई लाखों बंदों ने लगाया होगा डीपीआई, मतलब मेरे लाखों मित्रों का फोन। खत्म। नारायण, माफ कर दो। शर्म नहीं आई ऐसे कुकर्म करते हुए? तो मैं क्या करूं यार, हेडशॉट नहीं लग रहा था मेरे। वीडियो बनानी जरूरी थी क्या इसके ऊपर? मैं तो सबका शुभचिंतक हूँ ना, इसीलिए वीडियो बनाया, सबके बारे में मैंने सोचा। ऐसे सोचते हैं सबके बारे में? नहीं 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 सोचते हैं ऐसे। तो जाओ और इनका सबको सोल्यूशन दो कि कैसे डीपीआई लगाएं और फोन भी खराब ना हो। डीपीआई लगाएं और फोन भी खराब ना हो, ये कैसे संभव है? जाओगे या फिर? नहीं नहीं नहीं, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। वैसे आप हो कौन? मैं तेरा वॉइस ओवर हूँ इको इफेक्ट के साथ। सो ओके, तुम्हारा भाई सोल्यूशन देगा आज कि कैसे तुम लोग डीपीआई भी यूज कर सकते हो, जितना चाहे डीपीआई यूज कर सकते हो, बट फोन बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। जी बिल्कुल भाई, फोन डैमेज ही नहीं होगा। कुछ ऐसा ही गुप्त ज्ञान तुम्हारा भाई तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला है। सीना सोच चीना होगी। सो यस, वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहना। और हाँ भाई लोग, ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी प्राणियों के लिए जो सीरियसली हेडशॉट मारना चाहता है, ओनली रेड नंबर मारना चाहता है। देखो तुम सभी को पता होगा डीपीआई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेडशॉट मारने के लिए। मतलब अगर हम लोग ज्यादा हेडशॉट मारना चाहते हैं, ओनली रेड रेड कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में डीपीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम लोग परफेक्ट डीपीआई लगाते हैं या फिर डीपीआई नंबर को इंक्रीज करते हैं, तो हम लोगों का हेडशॉट भी बहुत इजीली कनेक्ट होता है। अब अगर किसी ने मेरा डीपीआई रिलेटेड वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डीपीआई क्या करता है। देखो साधारण शब्दों में डीपीआई तुम लोगों का सेंसी बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। सो सेंसी सिर्फ तुम लोगों का लेफ्ट एंड राइट ही नहीं बढ़ता, बल्कि अप एंड डाउन भी बढ़ता है। मतलब अगर थोड़ा सा भी ड्रैग करोगे तो इजिली हेडशॉट कनेक्ट हो जाता है। यही है भाई डीपीआई का गुण। सो यस, डीपीआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट रुको, इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। सारी खुशियों पर तो पानी तब फिर जाता है जब हम लोगों को रियलाइज होता है डीपीआई लगाने से फोन डैमेज होता है, या फिर साधारण शब्दों में बोले तो डीपीआई लगाने से फोन हो जाता है खत्म गया। अब भाई ये कुछ ऐसा समस्या है जिसका अभी तक उचित समाधान नहीं मिल पाया है। मतलब क्या करे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। गलत, अब है ऑप्शन। तुम्हारा डार्क भाई आ चुका है भाई लोग इसका समाधान लेके। आप लोग रोना बंद कीजिए। जी बिल्कुल, तुम लोग डीपीआई भी लगा पाओगे और तुम्हारा फोन बिल्कुल डैमेज ही नहीं होगा। तो इसको कैसे करना है आ जाओ समझते हैं। चलो भाई,
ओके, सो ट्रिक बड़ा ही सिंपल है। तुम लोगों को अपना पसंदीदा डीपीआई लगा लेना है, जितना तुम लोग लगाना पसंद करते हो। अगर तुम लोगों को अभी तक नहीं पता डीपीआई कितना लगाना है, सो तुम लोग मेरा वीडियोस जाकर देख सकते हो भाई, उधर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है डीपीआई कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। ओके, मैंने लगा लिया। अब मुझे सिंपल सा चले जाना है गेम पर। याद रखना, रिसेंट टैब में पहले से गेम ना हो। ठीक है, ओके डन। गेम ओपन हो चुका है, मेरा डीपीआई यहाँ पर लग चुका है। ट्रेनिंग ग्राउंड पे आकर तुम लोग देख भी सकते हो, वैसे नहीं देखोगे तो भी चलेगा, लग ही जाता है भाई ऐसे डीपीआई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब भाई मेन ट्रिक, गेम में जाने से पहले या फिर बंदों को पेलने से पहले सिंपल सा होम बटन दबाकर बैक आना, होम बटन दबाकर। ठीक है ऐसे, और फिर जाना है फिर से डेवलपर ऑप्शन में और डीपीआई वाले सेक्शन में। यहाँ पर तुम लोगों को डिफॉल्ट डीपीआई कर लेना है फिर से, जो फोन का रहता है ऑलरेडी। अब सिंपल सा सेटिंग को हटा देना है और सिंपल सा रिसेंट टैब से गेम को ओपन कर लेना है। जी बिल्कुल, गेम को रिसेंट टैब से ओपन करना है, गेम को यहाँ से हटाना नहीं है। और देखो मैंने रिसेंट टैब से ओपन किया, बट यहाँ पर होता है भाई मैजिक। यहाँ पर मैंने जो डीपीआई लगाया था गेम में वही डीपीआई है, मतलब इंक्रीज किया हुआ डीपीआई, बट मेरा फोन अभी नॉर्मल डीपीआई में है। और यही है भाई हम लोगों का ट्रिक। यहाँ पर देखो मैंने जो डीपीआई इंक्रीज करा था 441, ये गेम भाई उतने ही डीपीआई में अभी तक है और मेरा फोन चल रहा है बिंदास डिफॉल्ट डीपीआई में। सो यही था भाई लोग आज का ट्रिक। तुम लोग जाओ और यूज करो, बहुत हेल्पफुल ट्रिक है। तुम लोग जितना डीपीआई चाहे लगा सकते हो और तुम लोग हेडशॉट भी मार सकते हो और अपने फोन को भी सेफ रख सकते हो। सो आई होप भाई लोग तुम लोग को वीडियो पसंद आई है, ट्रिक पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आते तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ भाई लोग, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग ये सब ट्रिक ना करते हो, नॉर्मल डीपीआई भी लगाते हो, सो उतना जल्दी फोन खराब नहीं होता है। बट आज के बाद ये ट्रिक करके ही लगाना थोड़ा बेहतर रहेगा, और क्या। तो चलो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जरूर बता देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।